अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वेलकम टू सायमा रियाज़ी किचन। आज बहुत ही मज़ेदार से दही वाले बैंगन हम रेडी करने लगे हैं, जिसके लिए जो बैंगन को मैंने काट लिया है, पानी के अंदर डिप करके रख दिया है। बैंगन को हम इतना मोटा काटेंगे और पानी के अंदर डिप कर देंगे ताकि जो काले ना हो। और मसाले के लिए ये दो बड़ी साइज़ के मैंने प्याज ले लिए हैं और चार टमाटर ले लिए हैं। प्याज को भी हमने चॉप कर लेना है और टमाटर को भी हमने चॉप कर लेना है। चलिए रेसिपी को शुरू करते हैं। अब हमने एक बाउल ले लेना है, इसके अंदर मैं आधा कप ऑयल का डालूंगी। आप सरसों का ऑयल इस्तेमाल करना चाहें तो आप वो भी यूज़ कर सकती हैं। हमने ये ले थी, इसके अंदर डालने हैं कुछ मसाले, बहुत ही टेस्टी से जो हम रेसिपी को जब बनाने लगे हैं बहुत मज़े के लगते हैं। यहाँ पे एक खाने का चम्मच भर के मैं चाट मसाला इसके अंदर ऐड करूँगी ऑयल के, और साथ में एक चाय की चमची में नमक डाल दूँगी इसके अंदर। एक खाने का चम्मच भर के सुर्ख मिर्च पाउडर में डालूंगी। स्पाइसेस कम ज़्यादा आप अपने हिसाब से कर सकती हैं, आपको जितने खाना पसंद हो। और यहाँ पिंच में डाल दूंगी हल्दी का, पिंच हल्दी का डाल दिया है। अब इस मसालों को हमने कर लेना है ऑयल के अंदर अच्छे से मिक्स। अच्छे से मिक्स हो गए हैं, अब हम उनकी करेंगे कोटिंग अच्छी सी बैंगन के ऊपर। हाथों पे ग्लव्स वगैरह चढ़ा लें ताकि जो स्पाइसेस आपके हाथों को ना लगे। ऐसे एक बैंगन ले लेंगे और लेने के बाद इसकी हमें अच्छे से जो कोटिंग कर लेनी है बैंगन के ऊपर। ऐसे अच्छे से कोटिंग करने के बाद इसको हम रखते जाएंगे प्लेट के अंदर। जितने भी बैंगन आपने लेने हो, कम ज़्यादा जिसकी आपको ज़रूरत हो, उनकी अच्छे से ऐसी कोटिंग कर लेनी है। आप लोगों ने कोटिंग करने के बाद इसको रखते जाना है। ये देखा कितने ज़बरदस्त लग रहे हैं सारे मसालों की हमने कोटिंग इसके ऊपर कर ली है। अब हम नेक्स्ट स्टेप करेंगे, बैंगनों का मसाला लगा लिया। अब यहाँ पे पैन के अंदर हमने 102 टेबलस्पून हम ऑयल डालेंगे, ज़्यादा ऑयल हम नहीं डालेंगे। और इसको गर्म हल्का सा कर लेंगे पैन। ऑयल हमारा गर्म हो गया है, ये बैंगन को हमने मसाला लगाया है वो यहाँ पर रखते जाएंगे हम। इसको हम दोनों साइडों से फ्राई करना है। बहुत ही टेस्टी ये रेसिपी रेडी होने वाली है। वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा और ज़रूर बनाइएगा, बहुत पसंद आएगी। बहुत टेस्टी ये बैंगन रेडी होते हैं। ये दही वाले बैंगन हम रेडी कर रहे हैं। इनकी साइडें फलते रहेंगे हम, जो एक साइड पर भी फ्राई हो जाएगी, जिस साइड पलटे जाएंगे हम बार बार, एक दो बार साइड पलट के इसको बहुत ज़बरदस्त हम फ्राई कर लेंगे। ये देखिए बहुत ज़बरदस्त ये फ्राई हो गए हैं, अब इनको निकाल लेंगे हम। ऐसे करके हमने बाकी सारे भी फ्राई कर लेने हैं, जितने भी आप लोगों ने बनाने हो। कढ़ाई के अंदर मैंने 1/4 कप ऑयल डाल दिया है। अब इसके अंदर जो मैंने प्याज का चॉप किए हैं ये हम इसके अंदर डाल देंगे। इसको हमने अच्छे से फ्राई करना है। प्याज को मैंने अच्छे से फ्राई कर लिया। अब यहाँ पे 1/4 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट डाल देंगे। दोनों फ्राई करेंगे ताकि लहसुन का खत्म हो जाए। लहसुन डाल के मैंने अच्छे से भून लिया है। यहाँ कुछ कुछ मसाले डाल दें, आधी चाय की चम्मच से कम हल्दी पाउडर हम डालेंगे, 1 चाय की चम्मच हम सुर्ख मिर्च पाउडर डालेंगे, 1 चाय की चम्मच ही हम नमक डालेंगे। और यहाँ पर हम मुझे जो टमाटर प्योरी हमने बनाई थी ये इसके अंदर हम डाल देंगे। इसको हमें अच्छे से पकाना है, जब तक ऑयल ऊपर नहीं आ जाता तब तक इसको हम पकाएंगे। टमाटर प्यूरी बनाने के डालने के बाद 3 से 4 मिनट मैंने इसको अच्छे से पका लिया। ये देखिए हमारा मसाला बहुत अच्छा से रेडी हो गया और इसने छोड़ दिया है। इसकी हमने अच्छे से फ्राई करनी है ताकि टेस्ट बहुत ही अच्छा मसाले का है। ये बहुत अच्छे से रेडी हो गया है, चूल्हा मैं बंद कर दूँगी। अब करेंगे हम नेक्स्ट स्टेप। ये कम अज़ कम 2 से 2.5 कप ये दही है, इसको मैंने अच्छे से फेंट दिया है। दही में डालने के लिए हम एक तड़का रेडी करेंगे। दही में डालने के लिए जो तड़का हमने रेडी करना है उसके लिए पैन को मैंने चूल्हे पर रख दिया है। उसके बाद 1/3 कप हम डाल देंगे ऑयल का। गरम होने देंगे, ऑयल हमारा गरम हो गया। आधी चाय की चम्मच में यहाँ पे ज़ीरा डाल दूँगी। इसको हम फ्राई करेंगे हल्का सा इसके अंदर।
आधी चाय की चम्मची हम डाल देंगे राई। ये राई हम इसके अंदर जहाँ डाल देंगे। ये दो छोटे कड़ी पत्ते मैंने ले लिए हैं, ये हम डाल देंगे। आपके पास हरे वाला कड़ी पत्ता है तो आप उसका भी इस्तेमाल कर सकती हैं। यहाँ पर चार से पाँच हमने ये छोटी वाली मिर्ची ले लेनी है लाल, ये इसके अंदर हम डाल देंगे। इसको हमने स्लो फ्लेम पे हमने फ्राई करना है ताकि ये हमारे मसाले जले नहीं और बहुत अच्छे से ये फ्राई हो जाए। इनको हमने अच्छे से फ्राई कर लिया है, चूल्हा मैंने बंद कर दिया है। चूल्हा बंद करने के बाद जब हम इसको दही के अंदर डालने लगेंगे, यहाँ पे आधी चाय की चम्मच हमने सुरख मिर्च पाउडर ले लेना है, वो हम पैन के अंदर डाल देंगे। पैन के अंदर डालने के बाद उसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे और उसको हम दही के अंदर डाल देंगे। बहुत ही ज़बरदस्त है, हमारा तड़का रेडी हो गया है। इसको हम दही के अंदर से मिक्स कर देंगे। बहुत ही ज़बरदस्त है हमारे ये बैंगन आज रेडी होने वाले हैं, जिसको देख के मुँह में पानी आ रहा है। आप भी वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा, ज़रूर बनाइएगा। बर्तन मैंने ले लिया है, जो बैंगन हमने फ्राई किए थे उसकी पहली तह लगा देंगे हम। इसे सारी तह लगा देंगे, पूरे बैंगन के सारे जितना भी कवर हो सके। ये पूरी एक तह लगा दी मैंने इसके ऊपर, जो हमने बेसन मसाला बनाया था टमाटर और प्याज का, हमने ये इसके ऊपर एक तह इसकी लगा देनी है। हाफ यहाँ भी हम डाल देंगे, हाफ उचालेंगे जो कि इसकी इसकी तह हम ऊपर लगाएंगे। इसको अच्छे से ऊपर ये ऊपर लगा देंगे। बहुत ही टेस्टी रेसिपी रेडी होने वाली है, वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा, बहुत मज़ेदार। यहाँ पर अब हमने ये दही का तड़के वाला बना के रखा है, जिसकी तह लगा देंगे। बहुत ही ज़बरदस्त, देख के मुँह में पानी आ रहा है, बहुत जल्दी ये रेडी होने वाला है। वीडियो देखें और बनाएं, ज़रूर ट्राई कीजिए करें, अपने चैनल फीडबैक दें और चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर ज़रूर किया करें। एक तय मुकम्मल हो गई है इसकी, इसके ऊपर हम लगा देंगे दूसरी तय। न्यू रेसिपी है, ज़रूर बनाएं, बहुत टेस्टी रेडी होने वाली है। और गर्मियों में ऐसी चीज़ें खाने में मज़ा आता है। इसकी दूसरी तय लगा दूंगी, ये बैंगन की दूसरी तय भी लगा ली है। इसका बच्चे हुए जो प्याज का हमने आटा रख लिया था मसाला, ये हमने इसके ऊपर लगा देंगे सारा। मसाले की दूसरी तय भी लगा दी है, अब जो बाकी का दही बचा के रखा था हमने, ये इसके ऊपर हम डालेंगे। बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही टेस्टी, बहुत मज़ेदार रेडी होने वाली। देखें मुँह में पानी आ रहा है, ज़रूर बनाएं, बहुत पसंद आएंगे आपको। और थोड़ा थोड़ा सा जो बता दें हरा धनिया, जो कि इसकी खूबसूरती में और इजाफा कर देगा। और ज़रूर बनाएं, मेहमानों के लिए बनाएं, अपने लिए बनाएं, बहुत पसंद आएंगे, बहुत टेस्टी रेडी होते हैं, बहुत ही यम्मी रेडी हुए हैं। ज़रूर अपने मुझे फीडबैक दें, मुझे बताएं कि आप लोगों को मेरी रेसिपीज़ कैसी रही लग रही हैं। चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर भी किया कीजिए, बेल आइकन को दबाएँ, ऑल वाला बटन प्रेस करें, ताकि मेरे सारी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलते रहें। शुक्रिया।